नमस्कार, आप देख रहे हैं विद्रोही अण। मैं हूं आपके साथ नितिन त्रिवेदी। आइए रुक करते हैं यूपी से कुछ खास खबरों पर। भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली व मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का किया वादा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में भाजपा सरकार के 5 साल के कार्यकाल में कानून का राज स्थापित हुआ है। प्रदेश परिवारवाद और तुष्टिकरण से मुक्त हुआ है। प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को बस्ती व महाराजगंज सहित प्रदेश के अलग अलग जिलों की 10 विधानसभा सीटों के उम्मीदवार की घोषणा की है। ममता का भाजपा पर निशाना। कहा, हाथरस की घटना, उन्नाव की घटना और कोविड के दौरान यूपी में गंगा में फेंके गए शवों के लिए जिम्मेदार लोगों को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। योगी जी, जब ये हो रहा था तब आप कहाँ थे? योगी जी को उत्तर प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। चौधरी जयंत सिंह बोले, पश्चिम यूपी में पहले चरण के मतदान में ही मुकाबले से बाहर हो जाएगी भाजपा। सपा रालोद देगी रोजगार और सुशासन। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा, हमें चुनाव प्रचार के दौरान लोगों की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम जीतेंगे। मंगलवार से पूरी क्षमता के साथ काम करेंगी यूपी की अधीनस्थ अदालतें। महानिबंधक आशीष गर्ग की ओर से जारी अधिसूचना में जिला अदालतों, वाणिज्य अदालतों, रेरा न्यायाधिकरणों, पारिवारिक न्यायालयों, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों को निर्देश दिया गया कि 8 फरवरी से संशोधित दिशा निर्देश लागू होंगे। गोरखपुर सदर सीट के लिए चंद्रशेखर आजाद करेंगे नामांकन। योगी आदित्यनाथ के सामने लड़ेंगे चुनाव। प्रतापगढ़ सदर से अपना दल ने कैंडिडेट वापस लिया। सपा ने कृष्ण पटेल को बनाया उम्मीदवार। चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत मांग रहे आजम खां की सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। आजम खां को हाईकोर्ट जाने को कहा। योगी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का ममता और अखिलेश परिवार। कहा, ममता बनर्जी बंगाल में एक गुंडा राज चला रही हैं और यहाँ पर अखिलेश यादव का जो गुंडा राज है वो उसका समर्थन करने आई हैं। ऐसे ही खास खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे विद्रोही आनंद। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।